हेलो गाइस, मेरे गार्डन में लगे हुए मौसमी प्लांट पे फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। तो मौसमी प्लांट का फ्लावरिंग के जो सीज़न है वो दिसंबर के एंड से ही चालू हो जाता है और अप टू मार्च तक ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ये अप्रैल तक भी फ्लावरिंग कर सकता है। तो मेरे गार्डन में इसमें फ्लावरिंग आना दिसंबर के एंड से ही शुरू हो चुका है। मौसमी प्लांट पे जो फ्लावरिंग के साइज़ है वो बाकी किसी भी लेमन के जो वैरायटी होते हैं, नींबू के जो वैरायटी होते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा ही होता है साइज़ में। तो ये सही वक्त है, इस समय आप अगर थोड़ी सी केयर कर लो तो आपके गार्डन में जो मौसमी प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होने वाला है। तो जब भी फ्लावरिंग शुरू हो, फ्लावरिंग होने के एक हफ्ते के अंदर ही आपको कुछ काम कर लेना है, वो मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, मेरे जो ये प्लांट है ये 4 साल पुराना प्लांट है और ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। हर साल मुझे इसमें मौसम भी मिला है, लेकिन लास्ट ईयर मैं इसकी रिपोर्टिंग किया था, रूट प्रूनिंग भी किया था, तो जिसके वजह से लास्ट ईयर मुझे फ्रूटिंग नहीं मिल पाया है और मैं इसे अभी रिपोर्टिंग करके थर्मोकॉल के एक बड़े से डिब्बे के अंदर ग्रो किया हूँ ताकि मेरे जो प्लांट है उसमें ग्रोथ अच्छा हो, रूट बाउंड ना हो और प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लगे। तो आप भी अगर मौसमी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो 16 इंच या फिर इससे बड़े पॉट पे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे इस प्लांट पे जैसे कि देख सकते हैं आप, फ्लावरिंग होने के साथ ही साथ फ्रूटिंग भी होना शुरू हो चुका है और अभी भी फ्लावरिंग आ रहा है और फ्लावरिंग होने के साथ ही साथ नए नए से ब्रांचेस भी निकल कर आ रहे हैं। तो मौसम भी या फिर किसी भी नींबू की प्लांट को प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट को कभी भी प्रूनिंग मत कीजिए। और देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पर छोटे छोटे से मौसम भी लगना शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पर मेरे प्लांट के ऊपर इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये है बूस्टर 2 और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्या है इसके अंदर। इसके अंदर पाइथो हार्मोन्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। हफ्ते में एक बार आप ब्रिंजल प्लांट के ऊपर दे सकते हैं, एक ड्रॉप 1 लीटर पानी के साथ मिक्स करके, या फिर बाकी किसी भी फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए आप इसको 15 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं, 1 या मैक्सिमम 2 ड्रॉप। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसको इस्तेमाल करने से आपके प्लांट पर बहुत अच्छा फ्रूटिंग होगा। तो मैं अभी इसको मिक्स कर लूँगा पानी के साथ। इसके जो कॉस्ट है वो देखिए 75 रुपीज़ है और मुझे ये 70 रुपये पे मिला है। तो चलिए पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं मौसमी प्लांट के ऊपर स्प्रे करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लीटर का स्प्रे बोतल ले लिया हूँ और जो ये बूस्टर 2 है इसको मैं जस्ट 2 ड्रॉप दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रे भी कर दूंगा मेरे प्लांट के ऊपर, मौसमी प्लांट के ऊपर भी दूंगा और बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं मेरे गार्डन में, सबके ऊपर भी मैं स्प्रे कर दूंगा। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया, सिर्फ ब्रिंजल प्लांट को छोड़कर बाकी सभी फ्रूटिंग या फिर वेजिटेबल प्लांट्स पे आप हर 15 दिन के अंतराल पे इसको स्प्रे करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, आपके प्लांट अगर पॉट पे है फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इससे फ्रूटिंग मिल सकता है। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर हार्मोन की स्प्रे आप किसी भी प्लांट पे अगर देना चाहते हैं तो शाम के वक्त दिया कीजिए, इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, धूप अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए नए से और भी ब्रांचेस आने के साथ ही साथ नए नए से फ्लावरिंग भी आ रहा है, एक साइड पे थोड़े बहुत फ्रूटिंग भी लगना शुरू हो चुका है और एक साइड पे नए नए से ब्रांचेस भी आना शुरू हुआ है। तो सभी नींबू के वैरायटी पर ये हो ऐसा ही होता है, फ्लावरिंग होने के साथ ही साथ नए नए से ब्रांचेस भी निकल कर आते हैं। और मौसमी प्लांट को आपको पूरे साल भर फुल सनलाइट पे रखना है ताकि प्लांट पे बहुत ही अच्छे से धूप मिल पाए, तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं जो अभी स्प्रे कर रहा हूँ, मैं इससे पहले और एक बार स्प्रे कर चुका हूँ 15 दिन पहले जब भी मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग आया था, मतलब दिसंबर के एंड पे, और अभी मैं दोबारा स्प्रे कर रहा हूँ। तो आप भी 15 दिन के अंतराल पे इसको स्प्रे करते रहिए जब तक फ्लावरिंग आ रहा है, और फ्लावरिंग आने के जब फ्लावरिंग आना बंद हो जाए तो आप भी स्प्रे इसको देना बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।
तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।